साल 2020 में चलते, जिस साल कोरोना आया था, हमने देखा था उस साल भी कई सारे आईपीओ आए थे और काफ़ी अच्छी मजबूती कई सारे स्टॉक्स में देखने को मिली। उसमें से एक शेयर है जिसने अब तक 1100% का रिटर्न दे दिया है। मैं बात कर रहा हूँ मझगांव डॉक की। इसकी तेज़ी तो रुकी ही नहीं रही है, लिस्टिंग के बाद से लगातार शेयर में तेज़ी देखने को मिली है। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, कई सारे मजबूत ऑर्डर बुक है इस कंपनी के। मझगांव डॉक पर क्या रहा होगी विनीत सर, 1100% का रिटर्न आ चुका है अब तक? नहीं, हमें देखिए, हमें ना ऑनेस्टली बता तो हमें लगा कि ये स्टॉक इतना जल्दी भागेगा नहीं, हमसे रह गया है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, पर हमें लगता है कि अभी थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है स्टॉक। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे वो होल्ड करना, होल्ड करके रखे। जो शॉर्ट टर्म के लिए जो नया निवेश करना चाहते हैं, हम कहेंगे कि उनको डिक्लाइन स्पेस को ऐड करना चाहिए। ये डिफेंस स्टॉक्स के सबके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है, इनके आने वाले वक्त के कैश फ्लोज मैच नहीं करते प्राइस परफॉर्मेंस को। तो हमें लगता है कि इसके ऊपर से आपका व्यू थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करे, लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करे, और नया निवेश करना है तो डिक्लाइन पे ही करे। नया निवेश करना है तो डिक्लाइन पे कर दे, लंबी अवधि के जो निवेशक है वो शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। मझगांव डॉक पे आपकी क्या राय होगी आशीष सर? जहां तक मेरा सवाल है, आई थिंक होल्ड कर सकते हैं, और अभी 2000 का टारगेट है इसमें, और मेरे मुताबिक शेयर अच्छा है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होनी चाहिए, इसमें होल्ड की सलाह रहेगी। करने की सलाह होगी मझगांव डॉक में भी, दोनों जानकारों ने उसको होल्ड करने की सलाह दी। एक शेयर आखिर में सबसे हैप्पीएस्ट माइंड, नाम भी हैप्पी, रिटर्न में भी हैप्पी, निवेशकों को इसने जो है बाजार में हैप्पी किया। करीब 450% का रिटर्न लिस्टिंग से, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, आईपीओ को भी ठीक ठाक रिस्पांस देखने को मिला था, अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था। क्या राय होगी हैप्पीएस्ट माइंड माइंड पे विनीत सर? हैप्पीएस्ट माइंड हम होल्ड करने की सलाह देंगे, लेकिन हम ओवरऑल आईटी स्टॉक्स पे हमारा सलाह नेगेटिव है, तो इसके ऊपर आप एक टाइट स्टॉप लॉस रख के ही इसमें इन्वेस्ट या होल्ड पे रहिए, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले वक्त में यूएस मार्केट में बहुत तकलीफ होने वाली है, स्पेशली टेक्नोलॉजी सेगमेंट में। तो हमें लगता है कि ये सेगमेंट आपके पोर्टफोलियो में ना हो तो अच्छा है। हमें लगता है कि डोमेस्टिक थीम्स में इतने सारे अट्रैक्टिव स्टॉक्स है कि अगर आप बोलोगे तो आपको कोई आईटी से नहीं कमाए, पर डोमेस्टिक थीम्स भी स्ट्रांग है तो उधर से आपको उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। इन्वेस्टमेंट होल्ड करके चलिए, थोड़ा एक आप स्टॉपस लगा सकते हैं, जिस खरीद भाव पर आपने खरीदा उससे 5-7% नीचे का स्टॉपस लगा लीजिए। आईटी सेक्टर को लेकर थोड़ी सी चिंता तो है, लेकिन इस शेयर में अभी भी विनीत सर को लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है।